और नीचे कीजिए फ्लैग छोड़ दो यार, जनता दल यूनाइटेड नहीं है थोड़ा सा तो आप लोग भी वही है काम कर रहे हैं जो इधर हो रहा था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दो भागों में विभक्त करके कल और आज संपन्न हुई। कल भी 3 बजे से बैठक थी और आज भी 11 बजे से बैठक थी और आज की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू ने इच्छा जाहिर की कि उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया जाए और उन्होंने स्वयं श्री उमेश कुशवाहा जी जो महनार के विधायक रहे नौजवान है इनका नाम प्रस्तावित किया। वशिष्ठ बाबू ने ये कहा कि हम मार्गदर्शक के रूप में पार्टी को सहयोग करते रहेंगे, पार्टी को मार्गदर्शन देते रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू के प्रस्ताव को राज्य परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और आज से श्री उमेश कुशवाहा जी पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष। एक तो ये बात बतानी थी, दूसरी बात बतानी ये थी कि 2 दिनों तक पार्टी की बैठक चली और बैठक में ये फैसला हुआ। कई तरह का अटकल मीडिया में लगाया जाता रहता है, हम लोग के नेता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई कहीं भेज दे रहा है, कभी कोई कहीं भेज दे रहा है, तो ये बात हम लोग साफ कर देना चाहते हैं कि पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ है और मजबूती से एनडीए के साथ है। तीसरी बात, पार्टी में पार्टी को संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई और पार्टी में कल भी और आज भी आम जो साथी थे सबों की ये राय थी कि हमारी सीटें जरूर कमजोर हुई है, कम हुई है, हमारी सीटें कम हुई है लेकिन हमारा जनाधार कम नहीं हुआ है और हम उससे हतोत्साहित नहीं है। पूरी मजबूती के साथ हम लोग पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसकी भी चर्चा है, प्रस्ताव पास हुआ है, वो प्रस्ताव की कॉपी आप सबों को मिल जाएगा। उस प्रस्ताव में हम लोगों ने ये फैसला किया है, पार्टी ने ये फैसला किया है कि जो 7 निश्चय पार्ट 2 का निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी ने का और उसमें जो प्रदेश को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के को प्राप्त करने में पूरी पार्टी एकजुटता के साथ लगेगी और सरकार का उसमें समर्थन किया है। कोरोना काल में भी जो काम किया राज्य सरकार ने उसकी भी प्रशंसा उस प्रस्ताव में की गई है। कई लोग थे इस बिहार में, बहुत लोग थे, मीडिया में चलता रहता था कोरोना काल में, कुछ नेता थे, वीर नेता थे जो दिल्ली से पटना आते थे, घूम घाम के आते थे, कोरोना पर सरकार की आलोचना करते थे। आपको हम बता दें कि बिहार में कोरोना का जांच आज भी देश के औसत जांच से ज्यादा है, मृत्यु दर हमारा सबसे कम है, जो रिकवरी रेट है, जो मरीजों के ठीक होने का दर है वह भी हमारा है और यही कारण है कि बिहार में कोरोना के बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने फैसला किया और महामहिम राष्ट्रपति ने बिहार को रिवार्ड देने का काम। तो ये सारा काम हुआ है। जल जीवन हरियाली में भी जो काम राज्य सरकार कर रही है उसकी भी उस प्रस्ताव में चर्चा है। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई लोग तो पूरे चुनाव में घूम घूम के रोजगार
दे रहे थे रोजगार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकार गठन के बाद पहली बैठक में 20 लाख रोजगार सृजन के प्रस्ताव को सहमति दिया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। आने वाले समय में 20 लाख रोजगार सृजित होंगे और 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो ये सारे प्रस्ताव हैं जो हम लोगों ने पार्टी की बैठक में, दो दिनों की बैठक में पास किया है। आप सबों को उस प्रस्ताव की कॉपी वितरित की जाएगी। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।